हेलो एवरीवन, हमारा बच्चे आज का जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बच्चे, ये है मैकेनिज्म ऑफ इथॉक्सी इथेन फ्रॉम इथेनॉल। मतलब हम इथेनॉल से ईथर कैसे बनाने वाले हैं, देखने वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, आप सबको आना चाहिए बच्चे। तो देखिए, आपको इसके स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। अब प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ एच प्लस। तो देखिए ध्यान से, ये आपका इथेनॉल है, इस पर ये एच प्लस अटैक कर रहा है, ये बन गया आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ठीक है, यहीं पे जाके लगा तो इस लोन पेयर को ले लिया, ये बन गया आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि कार्बोकेटायन बनेगा और एल्कोहल जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब यहाँ पे हम दूसरा एल्कोहल लेके आएंगे बच्चे, ध्यान से देखिए। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड अटैक ऑफ अनदर एल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल। देखिए बच्चे, हुआ क्या कि इस ऑक्सीजन के देखिए हाथ ज्यादा हो गए, एक दो तीन, तो ये ऑक्सीजन बेचारा हैरान परेशान। तो ये क्या करेगा, ये इससे कार्बन के बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और खुद क्या बन के बाहर निकल गया, पानी। तो यहाँ बच्चे देखिए, अब जैसे ही यहाँ प्लस जैसे खींचेगा, यहाँ आ जाएगा प्लस, तो इस प्लस पे ये अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे इसने इस पर अटैक किया, यहाँ पे क्या स्टेप हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड अटैक ऑफ अनदर एल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल। तो मतलब बच्चे देखो, आपको कुछ ऐसा मिला, अगेन अटैक कर रहा है इसके ऊपर सीधे, ऐसे इसने अटैक किया, ऐसा बन गया। अगर इसके हाथ देखो, एक दो तीन। अब करना क्या है, आपको यहां से डीप्रोटोनेशन करना है। तो जब ये ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इस एच के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, देखिए आपको मिल गया ईथर, और साथ में वापस क्या मिला आपको, एच प्लस। तो ये रिएक्शन इस बात को प्रूफ करती है कि किसी भी रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होते हैं वो सिर्फ रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए यूज करते हैं। बच्चे ध्यान रखिएगा, तीन नंबर के सवाल आ जाए बच्चे।